चाहे सरकार कितनी भी निगरानी करे, लेकिन घोटालेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बदायूं का है। यहां के दातागंज तहसील के उप कोषागार में 5,70,00,000 रुपए का स्टाम्प घोटाला पकड़ा गया है। घोटाले की खबर मिलते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। अभी कुछ दिन पहले ही शासन की ओर से छोटे छोटे उप कोषागार को बंद करने का आदेश आया था, जिसको लेकर जिले के डीएम ने उप कोषागार के अभिलेख चेक कराए थे, जिसमें यह घोटाला सामने आया। वहीं अब इस मामले में आरोपी रोकड़िया हरीश रावत पर एफआईआर दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिले के दातागंज तहसील के उप कोषागार हरीश 2013 से घोटालेबाजी कर रहा था। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने टीम गठित कर उप कोषागार के अभिलेख चेक किए तो यहां बड़ा घोटाला सामने आया, जिस पर 4 सदस्यीय टीम ने जांच पड़ताल में पाया कि रोकड़िया हरीश द्वारा 5,70,00,000 रुपए का घोटाला किया गया है। सुनिए इस मामले पर बदायूं के डीएम कुमार प्रशांत का क्या कुछ कहना है। ये मामला काफ़ी पुराना है, करीब 2013 से ऐसा है। वहाँ पे जो स्टैंप वगैरह बेचे जाते थे और स्टॉक रजिस्टर से उसका मिलान करने के उपरांत ये तथ्य सामने आए कि जो स्टैंप बेचे गए हैं उनका प्रॉपर तरीके से उसकी धनराशि बैंक में जमा नहीं की गई। और जब प्रथम दृष्टया ये सूचना हमें लगी तो एक कमेटी गठित करके इसकी जाँच करवाई और जाँच उपरांत इसमें जो रोकड़िया उप रोकड़िया थे वहाँ उनकी भूमिका संदिग्ध लगी, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए हमने उनको निलंबित कर दिया है और संपूर्ण सूचना की कार्रवाई की, ये जो है संपूर्ण घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को हमने इससे अवगत करवा दिया है। किस तरीके से ये घोटाला करते थे? ये जो स्टैंप यहाँ से उप कोषागार में उनको दिया जाता था उसको बेचते थे और उसका प्रॉपर तरीके से स्टॉक रजिस्टर से इसका मिलान नहीं करते थे और बिना मिलान किए हुए वहाँ से निकाल के ये प्राइवेट तौर पर बेच देते थे।